किसी का भाई किसी का जान यानी सलमान खान एक नाम जो लाखों करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करता है, लेकिन फिर भी सलमान ने अपने दिलों पर राज करने वाली को क्यों नहीं लाया अभी तक। सलमान खान बॉलीवुड इंडस्ट्री की एक ऐसी जानी मानी शख्सियत में एक है जिसे हर कोई जानता है। सलमान खान की पहली फिल्म कौन सी थी ये तो सबको पता है, लेकिन क्या आप जानते हैं सलमान खान जब सिर्फ 19 साल के थे तब उन्होंने एक एड कैंपाकोला नाम के सॉफ्ट ड्रिंक के लिए काम किया था और वहीं से उनकी मॉडलिंग करियर की शुरुआत हुई थी, जिसके बाद उनके लाइफ में अप डाउन के साथ साथ लव अफेयर्स के भी चर्चे होने लगे। तो चलिए जानते हैं उनके सारे लव अफेयर्स के बारे में। शाहीन जाफरी सलमान खान की बायोग्राफी बिंग सलमान में इस बात का जिक्र किया गया है कि सलमान खान 19 साल की एज में प्यार में पड़ गए थे। उनकी प्रेमिका का नाम शाहीन जाफरी था जो पेशे से एक मॉडल थी। उस वक्त सलमान शाहीन के इतने दीवाने थे कि शाहीन से मिलने के लिए उनके कॉलेज के बाहर घंटों खड़े रहते थे। लेट मी टेल यू, शाहीन एक्ट्रेस कियारा आडवाणी की माँ की स्टेप सिस्टर है। कियारा ने भी एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया था कि सलमान खान और शाहीन जाफरी एक साथ रिलेशन में थे। कियारा आडवाणी और उनकी फैमिली सलमान के काफी करीब है। ऐसा कहा जाता है कि कियारा को बॉलीवुड में ब्रेक सलमान ही दिलाया था। सलमान खान के साथ ही उनकी फैमिली भी शाहीन जाफरी को पसंद करती थी और उन्हें ये रिश्ता भी मंजूर था, लेकिन होना कुछ और था। इन लव बर्ड के बीच किसी तीसरे की एंट्री हो गई, संगीता बिजलानी। दरअसल 1980 में मिस इंडिया रह चुकी संगीता बिजलानी अपने बॉयफ्रेंड बिजू अली से ब्रेकअप के बाद अकेली थी। बॉलीवुड गलियारों की स्टोरी के मुताबिक संगीता जिस हेल्थ क्लब में जाती थी उसी में सलमान और शाहीन भी जाते थे। संगीता और सलमान की जान पहचान वहीं हुई थी। धीरे धीरे बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया और आगे चलकर यहीं संगीता बिजलानी सलमान खान और शाहीन के बीच ब्रेकअप की वजह बन गई। सलमान खान को जब संगीता बिजलानी से प्यार हुआ उस वक्त संगीता बिजलानी उनसे ज्यादा पॉपुलर थी, लेकिन बाद में सलमान खान का कैरियर संगीता बिजलानी से बहुत आगे निकल गया। सलमान खान और संगीता बिजलानी ने कुछ एड में भी काम किया और साथ काम करते हुए दोनों को प्यार हो गया। लेकिन संगीता बिजलानी ने जब सलमान खान से शादी की बात की तो सलमान खान ने शादी के लिए तुरंत हाँ भी भर दी, जिसके बाद दोनों के शादी के कार्ड तक छप गए थे। लेकिन तभी सलमान खान ने इन मौके पर अपने पर्सनल रीजन के चलते उनसे शादी करने से इनकार कर दिया। लेकिन आज भी सलमान खान और संगीता बिजलानी अच्छे दोस्त है और सलमान खान के घर पर होने वाली पार्टीज में वो आज भी नजर आती है। सोमी अली मैंने प्यार किया देखने के बाद सलमान खान पर लटू हो गई और उनसे शादी करने के लिए मियामी से सीधे भारत आ गई थी। सोमी ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम भी इसीलिए रखा था ताकि वो सलमान के करीब जा सके, और ऐसा हुआ भी। दोनों ने काफी समय तक एक दूसरे को डेट भी किया, हालांकि शादी तक बात पहुँचने के बाद भी यह रिश्ता ज्यादा नहीं चल पाया और दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए। इसके बाद सोमी अली अमेरिका चली गई। सलमान का बैड बिहेवियर और शराब की लत इस रिश्ते के टूटने की वजह बनी और सलमान खान की इस लव स्टोरी का भी दी एंड हो गया। ऐश्वर्या राय संजय लीला भंसाली की फिल्म हम दिल दे चुके सनम में काम करते हुए सलमान खान और ऐश्वर्या राय करीब आए थे। सलमान खान की यह लव स्टोरी में सबसे ज्यादा चर्चित सलमान और ऐश्वर्या की ही लव स्टोरी थी। ऑडियंस ने भी जोड़ी को खूब पसंद किया, लेकिन सलमान खान अपने इस प्यार को भी ना संभाल सके। दरअसल ऐश्वर्या को लेकर सलमान इतने ज्यादा पोसेसिव हो गए थे कि वह उन पर जरूरत से ज्यादा टेक ओवर करने लगे थे। ऐश्वर्या को बात बात पर रोकने टोकने लगे थे। ऐश्वर्या जिस हीरो के साथ काम करती सलमान उस पर डाउट करने लग जाते थे। खबरों के अनुसार सलमान एक रात ऐश्वर्या की बिल्डिंग में जा पहुंचे, जहां उन्होंने नशे में ऐश्वर्या का दरवाजा पीटा। ऐसा कहा जाता है सलमान ने ऐश्वर्या के साथ मारपीट भी की और उनके फादर के साथ भी बैड बिहेव किया, और उसी टाइम ऐश्वर्या ने सलमान से हमेशा के लिए ब्रेकअप कर लिया। स्नेहा उलाल स्नेहा उन एक्ट्रेस में से है जिन्हें बॉलीवुड में लॉन्च करने का क्रेडिट सलमान खान को जाता है। स्नेहा ने सलमान के अपोजिट 2005 में आई फिल्म लकी में काम किया था। सलमान और स्नेहा फिल्म लकी से करीब है और देखते ही देखते ये दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। बात आगे बढ़ी तो दोनों एक रिश्ते में आ गए और उसके बाद तो इन दोनों के अफेयर की खबरों से मीडिया का बाजार गर्म हो गया। फिर क्या, इन दोनों को कई बार एक साथ घूमते और पार्टी करते भी देखा गया, लेकिन सलमान के हर रिलेशन की तरह यह रिश्ता भी परवान चढ़ने से पहले ही खत्म हो गया, जिसकी वजह खुद सलमान खान ही थे, क्योंकि वो स्नेहा उलाल से प्यार नहीं करते थे बल्कि उन्हें ऐश्वर्या राय के डमी की तरह ट्रीट करते थे, क्योंकि स्नेहा देखने में काफी हद तक ऐश्वर्या राय की तरह दिखती थी, जिसके चलते स्नेहा उलाल ने सलमान खान से अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए। कैटरीना कैफ ऐश्वर्या राय के चले जाने के बाद सलमान खान ने काफी इंतजार किया उनके आने का, लेकिन वे नहीं आई। इसके बाद सलमान खान को मजबूरन उन्हें भुलाना पड़ा, जिसके बाद सलमान खान के कई एक्ट्रेस के साथ रिलेशन में आने की बातें सामने आती रही। लेकिन सलमान खान की जिंदगी में एक बार फिर से प्यार ने दस्तक दी जब उनकी लाइफ में कैटरीना कैफ ने एंट्री मारी। दरअसल बूम जैसी फ्लॉप मूवी से शुरुआत करने के बाद कैटरीना कैफ सलमान खान के संपर्क में आ गई। सलमान के साथ उन्होंने मैंने प्यार क्यों किया फिल्म की और उसके बाद वह सफलता की सीढ़ियां चलती चली गई। इस दौरान वह सलमान के बेहद करीब आ गई। सलमान और कैटरीना की शादी की तारीख कई बार घोषित हुई, लेकिन ये बात हर बार गलत साबित हुई। कैटरीना कैफ ने भी सलमान के साथ घर बसाने के सपने देखे, लेकिन उनका यह सपना सपना ही रह गया। जैकलिन फर्नांडिस सलमान और जैकलिन ने साल 2014 में रिलीज हुई फिल्म किक में एक साथ काम किया था, जिसके बाद ही उनके अफेयर की खबरें सुर्खियों में रही। बॉलीवुड की ये खूबसूरत एक्ट्रेस कोरोना टाइम भी चर्चे में आई थी और इस लव स्टोरी का भी दी एंड वैसे ही हुआ जैसे पिछला सब हुआ, और सलमान का शादी का सपना एक बार फिर से अधूरा ही रह गया।